सवाल है और वो हमसे पूछा है अजमल खान साहब ने रियाज से। एक मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर इमाम ने सलाम फेर कर मुक्तदियों की तरफ मुंह कर लिया और बात भी कर ली तो सजदे साहब से काम नहीं चलेगा, नमाज दोबारा पढ़नी होगी। जबकि एक जलील कद्र सहाबी जुलयदैन की मशहूर हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात पर सलाम फेर कर बाहर खजूर के तने के साथ टेक लगाया और फिर सहाबी के याद दिलाने पर सजदे साहब किया, बाकी नमाज पूरी कर ली। तो अब ये तजाद है बज़ाहिर। देखें, ये मुफ्ती साहब ने जो मसला बताया वो ठीक है, और जो आपको शुबा हो रहा है कि ये रवायत है अगरचे कुतुब हदीस में, लेकिन ये इब्तिदा इस्लाम का वाक़या है जब नमाज के दौरान बातचीत सही, करने की कलाम करने की इजाज़त थी ठीक है। और बाद में इसको ममनू करार दे दिया गया। कुरान करीम की आयत हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलाति वुस्ता व कूमू लिल्लाहि कानितीन, जी ये नाजिल हुई तो कूमू लिल्लाहि कानितीन का मतलब है साकितीन, खामोश खड़े रहो, ठीक नमाज में बातचीत ना करो। तो इस आयत से वो पहले वाली जो इजाज़त थी वो मनसूख हो गई। सही, इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी अबहास हैं, और दूसरे आइमा कोई कहता है कि अगर नमाज की असलाह से मुतल्लिक कलाम हो तो वो किया जा सकता है, मुफसिद सलाह नहीं है। कोई कहता है कि अगर आमदन कलाम किया जाए तो वो असलाह सलात के लिए भी ना हो तो फिर उससे नमाज फासिद होती है, वरना नहीं होती। इस तरह की तौजीहात दूसरे आइम्मा के यहाँ हैं, लेकिन हनफिया के दलाइल इस बारे में बहुत कवी हैं, और वो ये फरमाते हैं कि नमाज में किसी किस्म के कलाम की गुंजाइश नहीं है, चाहे जानबूझकर आदमी करे, चाहे भूल कर करे, चाहे इस्लाह सलात के लिए हो या ना हो, ज़्यादा कलाम हो या थोड़ा कलाम हो, हर सूरत में ये नमाज के लिए मुफसिद है ठीक और इससे नमाज फासिद हो जाती है। दलाइल देने के लिए फिर आधा घंटा चाहिए, जी तो इससे हम इसी पर इक्तफा करते हैं। सही है, बुखारी और मुस्लिम की रवायात है, सही जिनसे एक बात सिर्फ अर्ज जी कर जी देता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि नमाज में कलाम की अब भी इजाज़त है और ये मनसूख नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये जो हदीस है जिसका जिक्र सवाल में, ये हदीस ज़ुलयदैन कहलाती है। ठीक है हज़रत ज़ुलयदैन एक सहाबी हैं, खिरबाक उबन आम्र या उबैद उबन आम्र, जी इनमें से कोई एक। खिरबाक असल में उनका पहले नाम था, बाद में उबैद उनका नाम रखा गया। इनको ज़ुलयदैन से भी जिक्र किया जाता है, ज़ुशमालैन से भी जिक्र किया जाता है। पहले ज़ुशमालैन लोग इनको कहते थे, इनके हाथ लंबे लंबे थे। सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज़ुलयदैन कहा। तो इनकी इस रवायत के बारे में ये कहा जाता है कि जी ये जो आयत है कौमू लिल्लाहि कानितीन, ये पहले नाजिल हुई है, ज़ुलयदैन का वाक़या बाद में पेश आया है, और इस बिना पर ये मनसूख नहीं है। अगर ये मनसूख होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर कलाम ना फरमाते। तो मालूम हुआ कि ये इस्लाह सलात के लिए या नासियन या नमाज को मुकम्मल समझते सही हुए कलाम किया जाए तो वो मुफसिद नहीं है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, इसलिए कि हज़रत ज़ुलयदैन ये बद्री साहबी हैं, ठीक और उसके लिए एक दलील ये हज़रात ये भी देते हैं कि ये बहुत बाद का वाक़या है कि इस रवायत के रावी एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, और वो कहते हैं सल्ला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 7 हिजरी में ईमान लाए हैं। तो मालूम हुआ कि वो इसके रावी हैं, तो ये कौमू लिल्लाहि कानितीन जो गज़वाए बदर से कुछ पहले नाजिल हुई है उससे बहुत बाद का वाक़या है, लिहाजा ये मनसूख नहीं है। ये एक बड़ी कवी दलील समझी जाती है और दी जाती है, लेकिन वाक़या ये है कि ये हज़रत ज़ुलयदैन बद्री साहबी हैं और ये गज़वाए बदर में शहीद हो चुके हैं। सही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने जो ये फरमा रहे हैं सल्ला लना रसूलुल्लाह, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हज़रत अबू हुरैरा ख़ुद इसमें मौजूद थे, बल्कि मतलब है सल्ला लिजमातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात को आपने नमाज़ पढ़ाई। और इसकी बीसियों मिसालें दी जा सकती हैं कि कोई सहाबी ख़ुद उस वाक़े में मौजूद नहीं होते, लेकिन वो मुतकल्लिम का सीगा, जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी जमात मुराद होती ठीक है सहाबा की, कि उनके सामने ये वाक़या पेश हुआ, या सल यानी कौम मुराद होती है, पूरी जमात मुराद होती है। तो इसलिए ये दलील तो नहीं है कि वो बाद का वाक़या है। ये मूसा इब्ने उकबा जो मगाजी के इमाम हैं और जिनकी मगाजी को असहुल मगाजी कहा जाता है, उन्होंने ये फरमाया कि हज़रत ज़ुलयदैन बदर में शहीद हो गए थे। ठीक तो लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में जो रवायत नकल कर रहे हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि वो इसमें मौजूद थे, लिहाजा इसको दलील के तौर पर पेश करना कि ये कलाम फ़िस्सला मनसूख नहीं है, ये ठीक नहीं है। और जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, उसमें यह है कि पहले हम आपस में बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन जब यह आयत नाजिल हुई
तो उमिरना बिसुकूती व नुहीना अनिल कलाम, हमें खामोश रहने का हुक्म दिया गया, कलाम से मना किया गया। तो इसलिए यह पहले का वाक़या मनसूख। बहुत बहुत शुक्रिया।